कई हिस्सों में अवैध रूप से संचालित की जा रही मांस की दुकानों पर प्रशासन ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर करीब एक दर्जन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीज कर दी है, जिससे मीट मांस का कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 199 ग्राम MDM बरामद किया। बाजार में इस नशीले पदार्थ की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आके गई है। इस पूरे मामले में एक नशा तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। हरदोई में अनियंत्रित कार फाटक तोड़कर बग्गर में जा घुसी, जिससे वृद्धा उषा देवी घायल हो गई। पुलिस ने उन्हें PSC में भर्ती कराया। आगरा के शिक्षक बैंक से पैसे निकालकर किराए के घर में जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। घटना पाली कस्बे के भगवंतपुर मोहल्ले की बताई जा रही है। कानपुर में सांसद रमेश अवस्थी ने मेट्रो निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि दिसंबर तक कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो शुरू हो जाएगी। IIT से सेंट्रल स्टेशन तक यात्रा संभावित होगी, जबकि अगले चरण का काम सितंबर 2025 में पूरा होगा। सांसद ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, कानपुर एयरपोर्ट तक मेट्रो के भविष्य विस्तार की बात की। उन्नाव में करवा चौथ के पावन पर्व पर बाजारों में भीड़ लगी रही। महिलाओं ने आवश्यक सामान खरीदने के लिए सुबह से शाम तक दुकानों का रुख किया। महंगाई के बावजूद मिट्टी के करवे, चूरा, गट्टा और खिलौनों की बिक्री जोरों पर थी। इस पर्व ने दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। बिजनौर पुलिस ने चोर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी किए गए पीले सफेद धातु के आभूषण, नगदी और घटना में इस्तेमाल की गई कार बरामद की। कासगंज में नगर पंचायत अध्यक्ष और पटियाली SDM के बीच हाथापाई का मामला बढ़ता जा रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ADM जांच कर रहे हैं। विपक्ष ने इस पर राजनीति शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि सरकार पर अपराधी भारी, जिससे मामले को और तूल मिल रहा है। महाराजगंज में शोनोली पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 3 बोरी और 4 कपड़े के झोले में कई कंपनियों के पटाखे बरामद हुए। इस सफलता से पुलिस ने आगामी त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी है। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग और SDM न्यायिक अंजलि सिंह ने प्राइवेट अस्पतालों पर छापेमारी की। डॉक्टर SK विश्वास अस्पताल के कागजात नहीं दिखा पाए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। अर्दली, महौली सहित 5 अस्पतालों को बंद कराया गया। इस कार्रवाई से स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कासगंज में देसी पटाखे बनाते समय बड़ा धमाका हुआ, जिससे आसपास दहशत फैल गई। दीपावली के लिए पटाखे बनाने के दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। पटियाली SDM और CO मौके पर पहुंचे, साथ ही दमकल की गाड़ियां भी बुलाई गई।